स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे चिकू के पापा जी बाबू को लिए हुए हैं और आप सभी को दोस्तों दिल से धन्यवाद जो हमारे वीडियो को देखने के लिए आते हैं। और ये देखिए इसका दोस्तों नाम है दोस्तों विराट। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका क्या नाम है, तो विराट धरे हैं। ऐसे तो दिलराज बोल रहे थे, तो बहुत लोग बोले थे कि अच्छा नाम नहीं है, तो विराट रख दिए हैं। तो और मामा जी प्यार से बोलते हैं चिंपू, यानी चिकू के भाई चिंपू। चिंपू बोलते हैं, चिंपू इसको हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो इसका चिंपू ही नाम रखा जाएगा। तो विराट ही नाम ठीक है या नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा नहीं रहेगा तो फिर भी अब क्या करें, मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए इसका विराट ही नाम अच्छा लग रहा है। विराट जो कि क्रिकेटर हैं तो मतलब अच्छा लगता है विराट कोहली आजकल शॉट देखने में, इसलिए इसका विराट नाम धर दिए। और यहाँ पे हम जो कपड़ा धोकर सूखने के लिए डाले थे तो आए हैं अभी लेने के लिए। यहाँ पे हम जल्दी कपड़ा उतार लेते हैं। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं अपने रूम पे जहाँ पे हम बना रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों हम लोग गए थे डॉक्टर जी के पास। दोस्तों क्यों गए थे आप सबको बताना चाहूँगा। यहाँ पे गुड़िया जी दवा लिए हुए हैं। तो दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस मतलब आ गया था शरीर में, क्योंकि बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि गुड़िया भाभी बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो इनको मतलब थोड़ा सा सेहत पर ध्यान दीजिए। तो मैं मतलब इनको मतलब कुछ कुछ दिन पर चेक कराते रहता हूँ कि इनका बीपी कैसा है और मतलब तबीयत कैसा है। कुछ तो थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो मैं चला जाता हूँ। तो गए वहाँ पे तो दिखाएं तो बहुत ज़्यादा बीपी लो था, साथ ही दोस्तों इसको इनको कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा आँख भी दर्द करता था। और यह थोड़ा बहुत इधर हेल्प मेरे को काम में कर देते हैं, और अभी दोस्तों काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अभी देख सकते हैं इतना सारा काम है जो बाकी है, अभी इसमें मिट्टी साटने हैं, उसके बाद और भी बाहर का काम है, मतलब सगरों का काम अभी बाकी है। और गुड़िया जी मतलब हम मेरे को हेल्प करते हैं, और मामा जी का अलग अलग ड्यूटी रहते हैं, वो लोग ड्यूटी पे चल जाते हैं, अपना काम में व्यस्त रहते हैं। बस हमें मतलब दे दिए कि बाबू तुम खुद से कर लेना, थोड़ा बहुत कभी कभी हेल्प कर देते हैं कोई चीज़, जैसे कि हमें तो यहाँ उतना जानकारी नहीं है, तो वो मतलब बुला देते हैं किन्हीं को और वो थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं। तो वही सब में मतलब इनको तबीयत ठीक नहीं रह रहा है अभी भी, मतलब वहाँ पर मिट्टी है उसे खतना है, खत करके हम गिलेवा करना है, गिलेवा कर करके यहाँ पे लगाने हैं, तो गुड़िया जी ही लगाएंगे। तो ऐसे दोस्तों दवा है जो यहाँ पे सिरप दिए हैं और एक तो इंजेक्शन भी है ताकत का। तो दोस्तों वो 200 का इंजेक्शन पड़ा था ताकत वाला, और दोस्तों ये सिरप है जो और टेबलेट मिले हैं, तो ये सभी को गुड़िया जी को खाने हैं। और दोस्तों भी उसी की वजह से ठीक नहीं हो रहा था। और यहाँ पे दोस्तों जख्म जो पहले आप लोग देखे होंगे तो उसका भी वीडियो बन गया था, तो इनको जख्म भी मतलब ठीक नहीं होते, कल बैंडेज उंडेज करवाए थे, 600-700 रुपया के लमसम मतलब खर्चे हुए थे, 600 कुछ रुपया हुआ था ना, 600 कुछ रुपया लमसम खत्म खर्चे हुए थे, तो वो मतलब करवा दिए। और अभी दोस्तों हम लोग ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग डेली ब्लॉग डालिए सुनील भैया, तो हम मतलब चाहूँगा कि डेली मतलब दो ब्लॉग आए, चाहे एक ब्लॉग जो भी आए रेगुलर हैं। तो यही सब आप सभी के साथ शेयर करने की दोस्तों सुख दुख आप सभी के साथ ही हम बांटना चाहते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया था, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी लगी होगी, हमारे बारे में कुछ जाने होंगे कि किस वजह से ब्लॉग भी थोड़ा सा शूट नहीं हो पा रहे हैं, गुड़िया जी की तबीयत ख़राब हो रहा है, और इनको तो अच्छे से हम देखभाल कर ही रहे हैं। तो और मेरी वजह से बाबू का भी थोड़ा सा फीवर आ गया था, क्योंकि इनको थोड़ा सा वीकनेस आता है, तो ये भी थोड़ा सा वीक हो जाता है ना, क्योंकि मतलब इनको नहीं मिलेगा शक्ति, तो इससे भी मतलब नहीं मिल पाएगा। तो ये सब हमारी परिस्थितियाँ अभी चल रहे हैं, तो आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आप सबको दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों बाय बाय।